सादर जय जिनेन्द्र। दोस्तों, मैं दीपिका जैन आज आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गाय की करुण पुकार। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए गाय को मार देते हैं, बट ऐसा क्यों? तो वही गाय अपनी करुण पुकार कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है। गाय कहती है, हे हिंद देश के लोगों, जरा सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। जब सबको दूध पिलाया, मैं गौ माता कहलाई, क्या है अपराध हमारा, मैं द्वार तुम्हारे आई, है भीख मौत की दे दो, सुन लो मेरी करुण कहानी, क्यों दया धर्म विसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। दोस्तों, गाय हिंदू मुसलमान सभी के सामने अपील करती है और कहती है अपनी वेदना सुनाते हुए, जब जाऊं कसाई खानी, जहां मुख से पीटे जाते, उस उबले जल को तन पर मैं सहन नहीं कर पाई, जब यंत्र मौत का आता, मैं मौत चिल्लाती, क्या है अपराध हमारा, मैं द्वार तुम्हारे आई। गाय उस दिन को याद दिलाना चाहती है जब उसे 4 दिन तक भूखा रखा जाता है, और भूखे होने के कारण उसका हीमोग्लोबिन गलकर मांस से चिपक जाता है और उसके शरीर से चमड़ा निकाला जाता है। तो वह असहनीय वेदना गाय सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती है कुछ पंक्तियों के माध्यम से। उस वे दर्दी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया, ना हाथ दिए लड़ने को, मेरा वंश हुआ है पराया, कोई महावीर बन जाओ, कोई राम कृष्ण बन जाओ, जिसे मैंने दूध पिलाया, मैं फर्ज निभाऊं माँ का, जिसने फर्ज और प्रीति निभाई। गाय कहती है, मैं अभी भी नहीं मरी हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कसाईयों के मन से उस मानवता का भाव निकले, और कहती है कुछ पंक्तियों के माध्यम से अंतिम लाइन, मैं मावन दूध पिलाती, तुम माँ का मांस बिकाते, उस जननी के चमड़े से तुम पैसा खूब कमाते, गौ हत्या बंद करा दो, रहने दो वंश निशानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी।